आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस बटाटा वड़ा, एकदम स्ट्रीट स्टाइल, साथ में जो मिर्ची सर्व की जाती है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही चटपटी और मजेदार सी रेसिपी है। सारे टिप्स, ट्रिक एंड सीक्रेट के साथ मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंबई स्टाइल वो तीखी चटपटी मजेदार चटनी जो हर रेसिपी की जान होता है। परफेक्ट रेशियो मेजरमेंट मैंने इस रेसिपी में बताए हैं, तो इसीलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि किसी भी स्टेप को मिस ना कर सके। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। पैन रखा है, पैन पर हम डालेंगे एक चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को कर लिया है गरम। आधा चम्मच सूखा धनिया जो होता है वो लिया है, एक चम्मच के करीब सौंफ लिया है और आधा चम्मच हम इस पर जीरा लेंगे। इसी के साथ लिया 1/4 चम्मच के करीब ही जरूर डालिए। सारे मसाले को हम थोड़ा सा तड़का लेते हैं। हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया था, ये डालकर हम इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जिससे ये बढ़िया से फ्राई हो जाए। और अब मैंने लिए है 1/2 किलो के करीब आलू, उबाल लिए थे, छील लिए थे, इसको ठंडा कर लिया था और इस तरीके से हमें तोड़ के डालना है, ग्रेट नहीं करना है ना ही बिल्कुल मैश करना है। सारे आलू मैंने इसी तरीके से तोड़ के डाल दें, कुछ मोटे और कुछ छोटे टुकड़े, बस ऐसे ही करके डालना है। 1 प्याज फाइन चॉप करके डालें, मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्वाद के अनुसार इस पर नमक डालेंगे और अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और आलू को मैश करते जाएंगे। इस तरीके से हमें इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। इससे जो स्टफिंग होती है ना बहुत ही बढ़िया तैयार होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े कढ़ाइयों में रखकर ये बहुत ही लंबे समय तक स्टफिंग को फ्राई करते हैं। अब हम डालेंगे मसाला। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे। इसी के साथ 1/2 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच हमने अमचूर पाउडर भी ऐड किया है, बहुत सारा हरा धनिया 1/2 कप के करीब। अब डालेंगे 2 चम्मच ये तीखी वाली चटनी जो कि चाट वाली होती है, इससे बहुत ही बढ़िया बटाटा वड़ा में टेस्ट आता है। और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर देंगे और आलू के जो भी मोटे टुकड़े हुए हैं हम उसको भी मैश करते जाएंगे। 1 से 2 मिनट ही मैंने अभी इसको फ्राई किया और देखिए सारा टेक्सचर इसका चेंज हो गया, हरी धनिया की वजह से कितना अच्छा इसका कलर आया है। और फाइनली ये हमारी जो स्टफिंग है तैयार हो गई, बहुत ही मजेदार चटपटी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई। गैस को हम बंद कर देंगे, उतार लेते हैं, 1 प्लेट पर हम इसको डाल देते हैं और हल्का हम ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। इधर मैंने एक बाउल लिया है, इस पर हम लेंगे 1 कटोरी बेसन, मोटा पतला कोई भी हो आप ले सकते हैं, मैंने घर का पिसा 1 कटोरी बेसन लिया है। स्वाद के अनुसार 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, कलर काफी बढ़िया आएगा। 1 पिंच के करीब हींग डालेंगे, जरूर डालिए। और इसी के साथ हम सारी इंग्रेडिएंट्स को आपस में पहले ऐसे ही अच्छे से मिला लेते हैं। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिला लेते हैं। जब ये सारा पानी मिल जाए फिर हम इस पर थोड़ा सा और पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, हमें एक साथ पानी नहीं डालना है और इसका हमें एक बैटर बनाना है, लेकिन आपको एकदम पतला बैटर नहीं बनाना है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए, अभी ये थिक है। लेकिन अब जरूरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, बैटर को हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से कंटिन्यू फेट लेना है। बटाटा वड़ा का बैटर यदि पतला होता है तो वह ठहरता नहीं है, यदि मोटा होता है तो वह खाने में बेसन बेसन जैसा लगता है। और मैंने इसको 4 मिनट अच्छे से फेट लिया, इसका सारा टेक्सचर चेंज हो गया, एकदम लाइट और फ्लफी हो गया है। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं कि ये कुछ इस तरीके का हमारा दिख रहा है। इसे हम कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं, जब तक हम इसके लिए बहुत ही तीखी सी मजेदार चटनी बना ले। छोटा वाला जार लिया है हमने, इस पर लिए 7 से 8 हरी मिर्ची, यदि तीखी है तो आप कम डाल सकते हैं। इसी के साथ 2 इंच अदरक का टुकड़ा छील लिया था, पतले पीसों में काट लिया था, 8 से 10 लहसुन की कलियां और साथ ही हमने लिया है 1 कटोरी हरा धनिया। धनिया को मैंने डंठल के साथ लिया है, सिर्फ मोटे डंठल हटाए हैं। 1 बड़े साइज का मैंने हरा टमाटर लिया, थोड़ा सा अंदर से लाल था लेकिन हरा टमाटर लेना है। और छोटे साइज का जो प्याज था उसका 1/2 लिया है मैंने, ये भी हम इस पर डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कच्चा जीरा भुना हुआ नहीं है, 1/2 चम्मच काला नमक और साथ ही हम लेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, बहुत ही बढ़िया खट्टापन हमारी चटनी में आएगा। और बस इसको हम बंद कर देते हैं, कुछ डालने की जरूरत नहीं है और इसको पल्स मोड पर हम पीस लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी का कलर आया है और कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है,
पीसने में बिल्कुल पानी का यूज नहीं किया, एकदम स्ट्रीट स्टाइल ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे इस बटाटा बड़ा के अलावा कैसे भी किसी चाट पर एंजॉय कर सकते हैं। साइड रख दिया, इधर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई पर हम डालेंगे ऑयल। तो बड़ा तलने के लिए जो ऑयल डाला जाता है थोड़ा ज्यादा यूज किया जाता है और इसको हम गर्म कर लेते हैं। इधर जो हमारा मिक्सचर है ठंडा हो गया है, हमें इसको इस तरीके से थोड़ा पार्ट उठाएंगे और इसके हम बॉल बना लेते हैं और इसको हम हाथों में लेके इस तरीके से थोड़ा सा बॉल बनाएंगे। बहुत चिकना करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए ये जो बॉल है ना हमारा बन चुका है, इसको हम एक प्लेट पर रख देंगे। मैं एक और आपको बताती हूँ, मैंने फिर से थोड़ा सा पार्ट लिया है, लड्डू की तरह बनाया, फिर से मैंने इसको बॉल बना दिया है। ये वाला भी हमारा बढ़िया गोल मटोल सा बॉल बन गया है, इसे भी हम प्लेट पर रख देते हैं और इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके के बॉल आप किसी भी स्टफिंग पर यूज कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार ये स्टफिंग बनती है। तो चलिए सारे बॉल मेरे बन चुके हैं, तो इसे अभी हम साइड पर रख देते हैं, बैटर को हम चेक कर लेते हैं। एक बार हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो बैक साइड है ना आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करिए, लाइन मिलनी नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट हमारा बैटर बना है, ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। और अब हम इस पर लेते हैं सोडा, तो इतना सारा नहीं डालेंगे, बस एक पिंच के करीब हम इस पर सोडा डालते हैं। इससे जो हमारे बड़े पर जाली आती है ना बहुत ही अच्छे से आती है और अच्छे से हमने इसको भी मिक्स कर दिया है। बड़े के लिए बैटर तैयार है, जो हमने बॉल बनाई हुई थी एक बॉल हम उठाते हैं और इस पर हम डाल देते हैं। फॉक से इस तरीके से हम इस पर बेसन को कोट कर लेते हैं और उठाएंगे एक्स्ट्रा जो बेसन है ना सारा हम छड़ा देते हैं और इसे जो उधर हमने ऑयल गर्म किया था ना इस पर हम डालते हैं। मीडियम हॉट ऑयल है और इस तरीके से मुझको हाथ से डालना ज्यादा बेटर लगता है। इस तरीके से हम डालते जाएंगे, एक साथ बहुत सारे नहीं डालना है, मैंने एक बार में 5 से 6 डाले हैं और थोड़े बहुत सिर चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनको हम मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं और आप देख पा रहे हैं कहीं से मसाला निकला नहीं है ना तो बहुत ही ज्यादा मोटी कोटिंग है और इस तरीके से बढ़िया से मैंने इसको फ्राई कर लिया और कितना बढ़िया इनका कलर आ गया। इससे ज्यादा अब हम इनको नहीं सेकेंगे और अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बटाटा बड़ा बना है। तो चलिए इन बटाटा बड़ा को हम एक प्लेट पर निकाल देते हैं और अभी हमने साइड पर रख देते हैं, सेकंड बैच की भी हम इसको डाल देते हैं। डालते समय बस एक ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल चिपकाते हुए नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही डालेंगे और डालने के बाद हम इस पर ऑयल चढ़ाएंगे और एक साइड से सेक लेते हैं। जब ये एक साइड सेक जाए तो दूसरे साइड की तरफ हम गैस को तेज कर लेते हैं और बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। इनको सिकने में 5 से 6 मिनट लगता है, 5 से 6 मिनट बाद ये हमारे बटाटा बड़ा तैयार हो गए। देखिए कितना बढ़िया कलर आया, बने ना एकदम हलवाई स्टाइल जिस तरीके से मुंबई पर मिलते हैं। मिर्ची के लिए मैंने इस तरीके से कट लगा लिया था, मिर्ची को हम फ्राई कर लेते हैं क्योंकि जो मिर्ची सर्व की जाती है ना बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरीके से मैंने मिर्ची को भी फ्राई कर लिया है। शायद कोई ऐसा हो जिसे इसे देखकर मुंह में पानी ना आए। आप इस बटाटा बड़ा से चाट बनाइए या तो बड़ा पाव या तो ऐसी ही तीखी हरी चटनी और मिर्च के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी, बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर एकदम मसालेदार चटपटी स्टफिंग भरी है। इसकी लेयर आप देख पा रहे हैं ना तो मोटी है ना बहुत ज्यादा पतली है, बढ़िया से मसाला कोट हुआ है, हरी चटनी और साथ ही रेड वाली तीखी चटनी के साथ मैंने इसको एंजॉय किया। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।